माशाल्लाह। और क्या फरमा रही थी वो? उनका था कि मैं जब मेडिकल कॉलेज आगरा में पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने से एक सांप गुजरा। अच्छा। तो वो देखकर मेरी चीख निकल गई। अच्छा। तो चंद दिनों बाद मुझे कार्ड आया अब्बा जान दादा जान का, उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हें चीखते हुए सुना है, क्या हुआ है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी दो तीन मील दूर आगरा में बैठा हो और वो कादियान में आवाज सुने? बरह रास्त तो नहीं आवाज सुनी, खुदा तआला ने कश्फ़ सुनाई है। लेकिन एक और भी मज़मून है जिसका मजहब से ताल्लुक नहीं, वो जो बारीक दर बारीक फितरत के तख्लीकी राज हैं उनसे ताल्लुक है। बाज लोगों को कि जो पैरासाइकोलॉजी में ये मज़मून ज़ेर बहस आया है, बाज लोगों को अपने बहुत किसी करीबी का दुख, बल्कि उसकी आह भी उसकी पुकार भी हजारों मील दूर सुनाई दे देती है, इसलिए कि वो साइकिक किसी जरिए से उसके अंदर वो तकलीफ पहुंचती है और वो आवाज़ दिमाग खुद पैदा करता है फिर, मगर बैनी वैसी जैसी वहाँ हुई है। इसी पर तो साइंसदान हैरान हैं कि हम जिन जराए को साइंसी मौसर जराए समझते हैं और समझते हैं इसके बगैर कोई पैगाम रसानी मुमकिन नहीं, उसके बगैर भी मुमकिन है। कोई और जराए हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही, तो उन्हीं जराए में से कोई जरिया इस्तेमाल हुआ हो सकता है। कशफ वाला मज़मून तो अपनी जगह है ही, लेकिन हो सकता है उनकी जो साइकिक सलाहियतें हों वो गैर मामूली हों, समझे, और उसके नतीजे में उनको आवाज़ आ गई हो। ये तहकीक का जहाँ तक ताल्लुक है, इस तरह तो मैं तहकीक नहीं कर सका कि हर केस जो बयान हुआ उसकी पैरवी करके पता कराऊं कि कहाँ हुआ था ये वाक़या, लेकिन बाज़ किताबें जो निस्बतन ज़्यादा काबिल एतमाद समझी जाती हैं, जहाँ मुसन्निफ़ीन ने तहकीकात की हैं, उनमें भी ऐसे वाक़या दर्ज हैं कि जानवरों तक में भी ये हिस्स है कि कहीं दूर कोई चीज़ उनके बच्चे पर जुल्म किया गया हो तो जानवर माएँ दुख महसूस करती हैं। इस किस्म की कई तजारब किए गए और उनको मतलब उनको रिकॉर्ड किया गया। इंसान के तौर पर एक तजर्बा खसूसियत से दो जुड़वा भाइयों के मुतलिक किया गया, जहाँ दो जुड़वा भाई ऐसे थे जिनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था, और एक को पेट दर्द हुई है एक जगह, तो बैन ही उसी वक्त दूसरे बच्चे को पेट दर्द शुरू हो गई, और उसके पेट दर्द की तो कोई वजह थी, उसने कोई गलत चीज़ खाई, इसकी कोई वजह नहीं थी। जब तहकीक हुई तो पता चला कि बैन ही उसी वक्त उसको पेट दर्द हुई थी जहाँ उस बच्चे को हो गई। तो यहाँ आवाज़ की बात नहीं, तजर्बा दोहराया गया है, एहसासात दोहराए गए हैं, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के तख्लीकी राज हैं जो हैरत अंगेज हैं। आइंदा ज़माने में शायद और पर्दा उठे। इस वक्त तो अभी तक भी अमेरिका ने पहले फंडिंग की थी इस पर कि ये जो साइकिक जरिए हैं उनके जरिए दुश्मन की खबरें लेना, इस पर जो साइकिक मिजाज रखते हैं उनको ट्रेन किया जाए, बकायदा नौकर रखा जाए, और उसके जरिए वो रशिया से राज हासिल करें। यानी इतना संजीदा था कि हुकूमत बकायदा अमेरिका की हुकूमत इस ज़माने में फंडिंग कर रही है इसकी, लेकिन अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है उसको। गालबन जो भी इंफॉर्मेशन है वेग सी रही है, अभी तक उसको कमाल नहीं हासिल हुआ, लेकिन रशिया ने कहा जाता है कि इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे कदम बढ़ा लिया था, और वो इन साइकिक ज़राए को रोज़मर्रा के जो दिफाई मामलात हैं या जारहाना मामलात उनके हक में भी इस्तेमाल करने लग गए थे। ठीक है, यानी वाकई उनका दुरुस्त था, मैं हरगिज़ ज़रा भी शक नहीं करता, बल्कि मुझे उसकी वजह से दूसरे वाक़ात जो पड़े थे उनकी भी तस्दीक हो गई कि ऐसा हो सकता है। यहाँ तो कश्फ का ताल्लुक है वो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वाली रवायत बिल्कुल वाज़ह है, कश्फ तो वो दिखाया जा सकता है।
या सारियत अलजबर की जो आवाज आपने सुनी थी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। हाँ वक्त खत्म हो गया, आखिरी मिनट चल रहा है या खत्म हो गया? आखिरी मिनट चल रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है, आपकी दर्जे ठीक हो गई? बिल्कुल। आर्मी का ग्रामीण नहीं भूलते आप? नहीं जी, फायदा होता है हर जेब में, मैच के बहुत फायदा होता है जी। अच्छा माशाल्लाह। कोई ऐसी चोटें या स्ट्रेन या वो रोजमर्रा की थकावट भी हो जाती है? हो ही जाती है, और क्रैम्प्स वगैरह भी पड़ते हैं, पहले नहीं होते क्रैम्प्स, वो नहीं पड़ते हम ट्रेनिंग से नया रहे हैं कि उम्र का देखेंगे जवान लगते हैं। अच्छा।